हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, जो आपका सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का 11th क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोगों ने शुरू में फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपका धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ऑर्डर में इवॉल्व हुआ। लोगों ने उसको क्लासीफाई किया और फाइनली हम लोग विटाइकर सिस्टम एंड कार्ल हूस के सिक्स किंगडम सिस्टम की बात हम लोग किए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात ये करेंगे कि प्रोटिस्टा में किस तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, किसको किसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में टोटल हमारे कई वैरायटी के ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक, क्योंकि जो क्राइटेरिया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रखने का, जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होना चाहिए। मींस द ऑर्गेनिज्म शुड बी यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से रखते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं हमारे, देखिए इसमें हमारे आते हैं डाइएटम्स, या इसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से क्लासीफाई करें तो आप ऐसे कर सकते हैं, यूनिसेलुलर एल्गी। क्लियर, तो प्लांट ग्रुप से जितने भी यूनिसेलुलर एल्गी थे उनको उठा करके अलग कर दिया गया। दूसरा हमारा यूक्लिनॉइड, सेकेंड ग्रुप हमें क्या मिलता है, यूक्लिनॉइड मिलता है। तीसरा हमें मिलते हैं यूनिसेलुलर प्रिमिटिव फंगस, यूनिसेलुलर प्रिमिटिव फंगस एक कैटेगरी ये होती है। क्लियर, एंड देन हमारे पास आता है यूनिसेलुलर एनिमल्स, देखिए किंगडम प्रोटिस्टा की, तो आपको पता चलेगा कि किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर प्लांट्स, यूनिसेलुलर फंगस, यूनिसेलुलर एनिमल्स को उठा करके रख दिया गया है और इस तरीके से इस किंगडम प्रोटिस्टा को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो एक तरह से सबकी मिक्सिंग हो गई, अगर देखिए प्लांट भी है, एनिमल भी है, फंगस भी है, इसीलिए किंगडम प्रोटिस्टा को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस एंड कंस्ट्रक्टिव ग्रुप और किंगडम। ठीक है, इसको हम लोग हेट्रोजीनस कंस्ट्रक्टिव ग्रुप या किंगडम बोलते हैं। अब यूनिसेलुलर एल्गी में हमारे पास कौन कौन से, देखिए इसमें हमारे पास आ जाते हैं डाइएटम्स, डेजमिट्स, डाइएटम्स हो गए, डेजमिट्स हो गए, और डीनोफ्लैजिलेट, डीनोफ्लैजिलेट। तो डायटम्स, डेजमिट्स, डीनोफ्लैजिलेट, इसमें देखिए डायटम्स को हम लोग बोलते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गी, डायटम्स को क्या बोलते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी। डेजमिट्स को बोलते हैं गोल्डन एल्गी, गोल्डन। ठीक है, सबके ग्रुप को एक नाम दिया जाता है। डायटम्स को हम लोग बैसिलेरियोफाइसिक, पुराने क्लासिफिकेशन अगर फिश के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चले तो डायटम्स को हम लोग बोलते थे बैसिलेरियो, बैसिलेरियोफाइसिक। ठीक है, बैसिलेरियोफाइसिक बोलते थे। ठीक, और जो मॉडर्न आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, उसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी दोनों को मिला करके हम लोग एक साथ बोलते हैं क्राइसोफाइटा, एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइटा। इसी तरह डायनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग बोलते हैं पायरोफाइटा, पायरोफाइटा। इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पायरोफाइटा। तो पायरोफाइटा इंक्लूड्स डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइटा इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेजमिट्स। और अगर आप सिर्फ डायटम्स की बात करेंगे तो डायटम्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अलग से बैसिलेरियोफाइसिक बोल रहे हैं। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स आप जानते हैं, यूग्लिना आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा और यूग्लिना को लोअर क्लासेस में प्रोटोजोआ में पढ़ाया जाता है।
नेचुरल में क्या है, यूग्लिना को प्लांट में भी रखा जाता है और एनिमल में भी रखा जाता है, यानी दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। तो यूग्लिना और यूग्लिना जैसे जितने भी और ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ग्रुप को अलग कर दिया गया और उनको बोला जाता है यूग्लिनॉइड्स। तो इसमें सभी यूग्लिना एंड यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म होंगे, यूग्लिना एंड यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो प्रिमिटिव फंगस है यूनिसेलुलर फंगस, इनको हम बोलते हैं स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। क्यों स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे फंगस हैं जिनमें बहुत ज्यादा म्यूसिलेज होती है और म्यूसिलेज की वजह से बहुत ज्यादा स्लिपरी नेचर के होते हैं, इसीलिए इनको स्लाइम मोल्ड्स बोला जाता है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चले तो इन्हीं को हम बोलते हैं जिम्नो माइकोटा। जिम्नो माइकोटा का मतलब होता है नेकेड फंगस, नेकेड फंगस। क्यों नेकेड फंगस बोलते हैं, क्योंकि इनमें देखिए फंगस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि फंगस के सेल के ऊपर काइटिन का बना हुआ सेलवॉल होना चाहिए, लेकिन इनके सेल के ऊपर कोई सेलवॉल नहीं होती है, एडल्ट्स में कोई सेलवॉल नहीं होती है, इसीलिए विदाउट सेलवॉल है ये, और एनिमल्स की तरह स्पेशली अमीबा की तरह सुगोपोडिया बना करके मूव करते हैं, तो इसीलिए इनको एनिमल लाइक फंगस भी बोला जाता है, ठीक है। तो सेलवॉल ना होने की वजह से उनको क्या बोला, नेकेड फंगस यानी जिम्नोमाइकोटा, एंड ये सुगोपोडिया बना के चलते हैं इसीलिए इनको और क्या बोलते हैं, एनिमल लाइक फंगस, क्लियर। और जितने यूनिसेलुलर एनिमल्स के ऊपर रखा गया दे आर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम से हटा करके किसमें रख दिया गया है, प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम से हटा करके रख दिया गया है किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा। तो इतनी वैरायटी है किंगडम प्रोटिस्टा की। अब देखिए इसी वैरायटी से कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं। पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि किंगडम प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन कैसा होगा, तो आपको पता चलेगा कि लगभग सभी तरह के न्यूट्रिशन होंगे। जो प्लांट हैं वो आपके होलोफिटिक होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉफिक में होलोजोइक यानी एनिमल लाइक न्यूट्रिशन शो करेंगे। जो आपके फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं ये सैप्रोफिटिक होंगे और कुछ आपके इसमें पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे पॉसिबल है। दूसरा, अगर आप सेल वॉल की बात करेंगे, क्योंकि सेल वॉल को भी विटेकर क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो अगर आप सेल वॉल की बात करेंगे तो आप यहाँ देखिए कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर एलिमेंट है बेसिकली प्लांट को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनमें आपको सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल मिलेगा। यूग्लिनॉइड्स में आप जानते हैं सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन सेल वॉल के एनालॉगस एक स्ट्रक्चर पाई जाती है सेल के चारों तरफ जो कि प्रोटीन की बनी हुई पेलिकिल होती है, फ्लेक्सिबल पेलिकिल। तो फ्लेक्सिबल पेलिकिल आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। फंगस है इनमें तो खैर सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन इनका जो स्पोर बनता है, याद रखिएगा जो स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर होते हैं उसी स्पोर में आपको सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल मिलेगा, काइटिन का नहीं होगा, सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और यूनिसेलुलर एनिमल्स की अगर आप बात करेंगे तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में जो हमारे प्रोटोजोआ हैं, आप जानते हैं एनिमल्स आर विदाउट सेल वॉल, है ना, तो इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, नेकेड सेल होते हैं। तो इस वजह से आपको सेल वॉल की भी सारी वैरायटी लगभग होगी, कुछ में होगा कुछ में एब्सेंट होगा, और आपको सेलुलोजिक सेल वॉल देखने को मिलेगा, वो आपको चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से किंगडम प्रोटिस्टा के आप मेंबर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया ये बताने के लिए कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा एक एक करके हम लोग सबको कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायटम्स की, ठीक है, डायटम और डेजमिट्स की एक साथ। देन अगला वीडियो मैं बनाऊंगा डायनोफिलेजेट्स में, इसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम लोग वन बाय वन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और उन बच्चों तक पहुँचाइए जो पढ़ सकते हैं ऑनलाइन अच्छे से, है ना, उन तक मेरा वीडियो पहुँचाइए। थैंक यू।